डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हुए बच्चों को शिक्षण प्रदान करें। हर तरह के बच्चे होंगे तो हर किस्म की बातें होंगी, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरी भी होंगे, कुछ दुख देने वाली होंगी तो कुछ में हंसी भी आएंगी। हर प्रकार के जब बच्चे हैं तो क्लासरूम की माहौल भी बिल्कुल अलग होगी। तो इससे जाहिर है कि शिक्षक क्या करेगा, क्लासरूम को डाइवर्सिटी को देख देख के एंजॉय करेगा कि देखो हर तरह के बच्चे हैं मेरे कक्षा में। तो उस डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना है। एक ट्रेंड और एजुकेटेड शिक्षक की पहचान है कि वो डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हुए क्लासरूम में पढ़ाता है। कुछ बात समझ आई? सीटेट में डायरेक्ट ऑप्शन आता है ये कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक क्या करता है, तो भाई विविधताओं को एंजॉय करता है। जो 44-47 प्रकार की डाइवर्सिटी आपने लिखा, इन विविधताओं को एंजॉय करते हुए 40 मिनट कक्षा लेता है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड पूछ रहे हैं तो सिर नहीं हिल रहा है, ट्रेंड में हिल रहा है, दोनों अलग अलग है। बिना एजुकेटेड हुए ट्रेंड कैसे हुए, डिग्री कहाँ से आई? ट्रेंड है तो हाँ एजुकेटेड है, सोच रहे हैं जैसे कुछ हो गया हो। ट्रेंड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, और आप इतनी डीप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं कि कहीं भी एक शब्द भी आए तो आपको समझ आनी चाहिए कि हमारी कक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी सी ट्रेनिंग लिए हैं, एजुकेशन आपकी शुरू से अच्छी हुई है, तो वैसे ही लोग क्लासरूम में डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हुए क्लास करते हैं। किसी किसी क्लास में सुनते होंगे कि बच्चे ज़्यादा हो गए तो शिक्षक के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कहते हैं शिक्षक हम कितने बच्चों पर ध्यान देंगे। सामान्य ये पटना में भी होता है, वो कहता है मेरा काम है सब पर हम ध्यान दें, पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है जाए। ये एक ट्रेंड शिक्षक की पहचान नहीं है। उसके कक्षा में बैठने वाला जो फर्स्ट बेंच पर इंपॉर्टेंट जितना विद्यार्थी है, वो लास्ट बेंच वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिस दिन वो कहने लगेगा ना कक्षा में कि पढ़ने वाला तो आगे बैठता है, हमें इससे मतलब है, पीछे वालों से मतलब नहीं है, ऐसा कई बार क्लास में सुनने को मिलता है पटना में। वो कहता है पढ़ने वाला तो आगे बैठता है चार बेंच पर, बाकी सब तो टाइम पास करने आते हैं। ये शिक्षक की भाषा है पटना में, इसका कोई इलाज? कोई इलाज है? क्या इलाज है? पढ़ाना आपका काम है, पढ़ाई से जो भी 10% सीखेगा उससे भी आपने महरूम कर दिया उसको। सुनिए, एक तो बच्चे ने की कोई गलती की या ढंग से नहीं पढ़ रहा है, तो क्लास में बैठ के जो 5% या 10% सीख सकता है वो भी आपने उसे छीन लिया बाहर करके। ये सॉल्यूशन है कि और प्रॉब्लम हुआ? पढ़ाई बोर्ड यहाँ है तो बीच में खड़ा होकर कैसे पढ़ा सकते हैं? ये हो सकता है कि वो टहल सकता है, देख सकता है, ये होना चाहिए। ये कहाँ लागू है पता है? है बिल्कुल है। पटना में एजुकेटेड लोग हैं, ट्रेंड नहीं है। जितने भी टीचर आप देख रहे हैं पटना में, दे ऑल आर एजुकेटेड बट नॉट वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेंड। उनको ट्रेंड नहीं कह सकते, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है शिक्षा की। बच्चों को कैसे टीच करना चाहिए उनकी मेथोडोलॉजी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है तो पढ़ा रहे हैं। तो एक शिक्षक का प्रशिक्षित होना कितना जरूरी है। ये लोग लाख कोशिश करके मर जाए, सरकारी में प्राइमरी का टीचर नहीं बनाया जा सकता। सरकारी सुविधा देने की बात की जाए तो एजुकेटेड कितना भी शिक्षा हासिल किए हों आप, इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, हमारे लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कितने भी तेज क्यों ना हों। तो एक सरकारी स्थान पर पहुँचने के लिए सरकार के नियमों के और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तब आप सरकारी नौकरी में आते हैं। पटना में ट्रेंड लोगों की कमी है, एजुकेटेड लोगों की संख्या ज़्यादा है। उन्हें कक्षा की इतनी डाइवर्सिटी की भी समझ नहीं है। वो कक्षा को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक पढ़ने वाला एक नहीं पढ़ने वाला, हो गई डाइवर्सिटी खत्म। कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी डाइवर्सिटी को वो नहीं जान पाएंगे। किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो क्यों नहीं समझ में आ रही है, उसकी तह तक नहीं जा सकते। वो पूरे कक्षा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक पढ़ने वाला है और बाकी बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, यही मान के कक्षा में चलता है। तो क्या वो शिक्षा में बदलाव ला सकता है? मेरी नज़र में तो कभी नहीं, उससे बदलाव नहीं आएगा। कक्षा में 10-20 लोग, 1000 लोग होंगे तो 100 लोग मुश्किलन बैच से निकल जाए, पास कर जाए, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन 90% रिजल्ट की उम्मीद वैसे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे डाइवर्सिटी की समझ अभी तक नहीं है कक्षा की। आप समझ के जाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे कक्षा में, उसके अकॉर्डिंग क्लास करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मिटा दिया जाए तो लोअर प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, ये सेंट्रल रूप से लागू किया गया है। राज्य सरकार अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकती है, जैसे बिहार में स्कूलों की कमी है तो कहा कि नहीं हम 35 और 40 कर देंगे, प्राइमरी में 35 और 6 to 8 में 40 कर देंगे, तो बिहार को कहा गया ओके आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंफ्रा की कमी है। लेकिन जहाँ इंफ्रा की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे नहीं होगा, उनके पास बहुत से स्कूल्स हैं तो टीचर भी उतने बहाल करने चाहिए। बिहार और झारखंड में तो इतना बड़ा अगर क्लासरूम होगा तो सारे क्लास के बच्चों को एक ही हॉल में बैठा दिए, और तुम गिनती लिखना, तुम पहरा लिखो। आजकल नेता लोग भी अजीब प्रचार कर रहे हैं, बिहार में बाहर है, कौन सा बाहर है? अब एक और सवाल उसमें नोट करेंगे पॉइंट, समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए, एक पॉइंट नोट कीजिए, समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए। लिख लिया सब लोगों ने? समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए टॉपिक। हो गया, अब आप मुझे बताएंगे कैसी होनी चाहिए। जब कक्षा में, आपकी कक्षा में बच्चों के बीच 44 प्रकार की डाइवर्सिटी हो, तो हमारा कक्षा कैसा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा लर्निंग से छूटे नहीं, सबको अधिगम हो सके। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम, ये है हमारा टॉपिक अभी का, कि हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए। यानी हमारे क्लास में ऑडियो ऐड होना चाहिए, हमारे क्लास में वीडियो ऐड होना चाहिए, हमारे कक्षा में ऑडियो वीडियो दोनों होनी चाहिए। वीडियो को विजुअल भी कहा जाता है, देखने वाला, दोनों कर सकते हैं। आपके पास प्रोजेक्टर हो और भी अच्छा, आपके पास साउंड सिस्टम हो पूरा जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी और भी अच्छा, आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो और भी बढ़िया, आपके पास जियो बोर्ड हो जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं और भी अच्छा, दीवार वगैरह पे इमेजेस बने होते हैं छोटे बच्चों की कक्षा में, तो अनेकों पिक्चर्स और इमेजेस होने चाहिए, अनेकों पिक्चर्स हो, अलग अलग इमेज बना हो, इमेजेस, वॉल पेंटिंग अच्छा अच्छा हो, मतलब वॉल पर ही कुछ याद करने वाले टर्म्स लिख के या अच्छे अच्छे कथन लिख के वॉल की पेंटिंग कर दिए। आपके कक्षा में ब्रेल लिपि से पढ़ने की सुविधा हो, ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल का स्पेलिंग सही है,
डबल एल ई होता है ना, ब्रेल स्क्रिप्ट लुई ब्रेल ने दिया था, तो ब्रेल स्क्रिप्ट होना चाहिए। पता चल गया होगा किन बच्चों के लिए होता है ये, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर की जगह आजकल टैब पे शिक्षा हो रही है, टैबलेट। बच्चों को कक्षा की पूरी मटेरियल सामग्री वगैरह एक टैब पर अपलोड करके बच्चों के हाथ में थमा दिया जा रहा है, वो भी हमारे शिक्षा का एक साधन है। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने इमेजेस हैं, जितना TLM हो सकता है, उन सब का अपनी कक्षा में प्रयोग करेंगे तो आप जितनी डाइवर्सिटी को देख रहे हैं लगभग सबको मेंटेन करके कक्षा दे पाएंगे। तो क्लासरूम पूरी तरह से कहा जाए ऑडियो विजुअल और एड वगैरह से लैस होनी चाहिए क्लासरूम, वेल इक्विप्ड विथ ऑडियो विजुअल एड। रचना वगैरह बनाना सिखाने के लिए टेबल के समान एक बोर्ड होता है जिसमें उंगली से रचनाओं को बना के सीखते हैं, ज्योमेट्री से संबंधित है, जियो बोर्ड कहलाते हैं, मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, अंधे बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल सामग्री है ये। जियो बोर्ड पर वो रचनाओं को बनाते हैं, बनाना सीखते हैं उंगली पर ऐसे सेट कर करके। तो ये सब वो सामग्री है जो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इन सब को हम कक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी डाइवर्सिटी लिखा उसमें लगभग सभी प्रकार के बच्चे शामिल होकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वेल इक्विप्ड विथ दिस मटेरियल्स। हाँ, एक भी है ना वैसा तो आपको सब रखना पड़ेगा, एक भी स्टूडेंट रहेगा वैसा तो रखना पड़ेगा, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला पहरा, क्या व्यवस्था कौन करेगा, शिक्षक। आपने कभी डिमांड नहीं किया, स्कूल में आया नहीं, पैसे तो आते हैं तो पेंटिंग के नाम पे लोग चंदा बांट के खा जाते हैं, कहां से काम होगा, भगा देगा उसकी इतनी मजाल। प्रिंसिपल सिर्फ आपको ज्वाइन करा सकता है, याद रखिएगा, उसे निकालने की क्षमता प्रिंसिपल में नहीं होती। पिक्चर्स में फ्लैश कार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, इमेजेस जो चार्ट पेपर्स पे बने हो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। पिक्चर्स फ्लैश कार्ड को भी कहा जाता है, सिंपल पिक्चर जो आपने प्रिंट कर लिया, और जो इमेजेस वगैरह होते हैं पेंटिंग्स के आते हैं वो सब मेनली इमेजेस में होते हैं। तो कई बार पिक्चर हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गांधी जी के पिक्चर, लेकिन ABCD का पूरा एक इमेज वगैरह निकाल के और उसको चिपका दिए कहीं बच्चों को याद करने के लिए, कहीं पहरा होगा, कहीं गिनती होगी, कहीं कुछ और होंगे। तो क्लासरूम में बच्चों की डाइवर्सिटी को देखते हुए और तब उनके लिए इंतजाम करना इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, कि सिर्फ कक्षा में बैठा लेना काफ़ी नहीं है, उनके लिए कैसे पढ़ाइएगा कि सीख सके, इन सब इंक्लूसिव क्लासरूम में ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। जो सुन नहीं सकता वो देखे, देख नहीं सकता तो सुने, जो दोनों कर सकता है दोनों करें। जो बच्चे बहरे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, पिक्चर दिखा के, बोल के तो हम लिखवा रहे हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है सीटेट में, इसलिए समझा रहे हैं। अगर कोई बच्चा, मुझे लगा पैरेलल हो बोल रहे हैं, ये वाला बहरा हो, तो अगर आप कुछ बोल के लिखाना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं तो आपको बहुत स्पीड नहीं बोलना है, क्योंकि पता है वो क्या करता है, ध्यान से आपको देखता है और आपकी लिप रीडिंग करता है, लिप स्विंग होता है ना उसके हिसाब से वो पकड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। तो वैसे बच्चों को कभी पीछे मत रखिए। अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता और आपको बोल के कोई बात समझानी है तो बच्चों को सामने रखेंगे, ताकि जहाँ से वो फेस को क्लियर देख सके और लिप रीडिंग को समझ सके। लिप स्विंग होती है ना, जैसे बोल रहे हैं तो लिप अप डाउन हो रही है, उसी स्विंग को वो पकड़ता है और समझता है कि क्या बोल रहे हैं। कुछ बात समझ आई,
क्योंकि मेरे अंदर तो इशारों में बात करने की कोई तकनीक विकसित नहीं है शिक्षक के साथ, इसलिए हर स्कूल में एक स्पेशल ट्रेनिंग किया हुआ टीचर होना चाहिए, यह भी डिमांड रखी गई है। यानी जो अंधे और बहरे बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग उनको अलग होती है, दैट इज नोन एज स्पेशल एजुकेशन। बीएड में स्पेशल एजुकेशन होता है, डीएलएड में, हाँ प्राइमरी में, तो डीएलएड में अगर स्पेशल एजुकेशन है, इसका अर्थ है कि उन बच्चों को शिक्षित करने की बात हो रही है जो आपकी कक्षा में सामान्य बच्चों से अलग हैं, जो डाइवर्सिटी आपने लिखा उन सब में पाई जाती है। तो आपके स्कूल में सभी लोग सामान्य बच्चों के शिक्षक हैं और वो उनको डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर स्कूल में मिनिमम एक टीचर स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए, ताकि वो अंधे बहरे इन सब बच्चों के साथ डील कर सके और उनको समझा पढ़ा सके। और आपकी कक्षा में अगर बहरे बच्चे हैं तो उसे पीछे से उठा के आगे बैठाइए, जहाँ से वो लिप रीडिंग को ढंग से कर सके, समझ सके। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा हो, पीछे बैठा हो, तो शिक्षक उसके लिए क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, उसे उठा के सामने बैठा देंगे, जहाँ से वो आसानी से लिप स्विंग को देख सके और बात को समझ सके। साइलेंट फिल्म देखे हैं? देखना चाहिए। चार्ली चैपलिन का नाम सुने हैं? उसकी फिल्म में उसकी आवाज़ किसी ने आज तक नहीं सुना है। साइलेंट मूवी होती है, वो बस अपनी एक्टिविटी से पूरी दुनिया को हंसाता है, सिर्फ एक्टिविटी होती है उसमें, दौड़ेगा, भागेगा, कूदेगा, ऊपर गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो इससे जाहिर है कि अपनी एक्टिविटी के बेस पे लोगों को हंसाता है, वो साइलेंट मूवीज होती है। इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म कौन सी थी? 1913 आलम आरा पिक्चर जो बनी थी 1913 में, वो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी और साइलेंट थी, मतलब उस वक्त साउंड का विकास ही नहीं हुआ था कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके। 1913 में तो सिर्फ इमेजेस रिकॉर्ड होते थे, तो इस फिल्म का नाम क्या रखा गया? साइलेंट फिल्म। कभी देखा आपने? इंडिया की फर्स्ट फिल्म है और साइलेंट फिल्म है ये। इसको मूक फिल्म कहा जाता है, मूक यानी साइलेंट। अच्छा, कभी समाचार सुने हैं? बहरे बच्चों के लिए होता है तो इशारों में बोलते हैं सब चीज़ कैसा कैसा है। कितने लोग सुने हैं? समाचार कई बार होता है कि वो बहरे बच्चों के लिए सुनाते हैं तो इशारों में सब चीज़ बोलते बताते हैं हाथों से, उसको कभी देखा? आपको कितना समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा, 10-20% समझ में आता है, बाकी नहीं आता है। त्रिदेव में एक देवता कहाँ रह गए? अच्छा, कम से कम फिल्म वगैरह के बारे में मत नोट कर लीजिएगा, समझाना था वो मुझे। ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी में आलम आरा फिल्म को लिख लिए और सोच रहे हैं ये कौन सी डाइवर्सिटी आ गई बच्चों में। तो इंक्लूसिव क्लासरूम जितना ऑडियो विजुअल एड से लैस होगा, क्लासरूम उतना ही बेहतरीन माना जाता है। लिखिए, एक लाइन नीचे लिख लीजिए, समावेशी शिक्षा में कक्षा कक्ष टाइम समावेशी शिक्षा में कक्षा कक्ष दृश्य श्रव्य सामग्री से, यानी ऑडियो विजुअल एड से। मुझे तो ऐसे लोग घूर घूर के देख रहे हैं कि मैंने कोई संस्कृत बोल दिया हूं। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री से पूरी तरह तीन तीन वर्ड लिख रहे हैं, लैस लिखा होगा या युक्त लिखा होगा या इक्विप्ड लिखा होगा, इक्विप्ड हो। दृश्य श्रव्य सामग्री से पूरी तरह लैस हो या युक्त हो या इक्विप्ड हो, एक ही बात है तीनों का।
कल शाम के बैच में एक लड़की बोली कि सर आप आसान भाषा में क्यों नहीं लिखवाते हैं, कि घर पे भी जाके हिंदी का डिक्शनरी कभी कभी निकालना पड़ता है कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। भाई सीटेट ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है, हम आसान लिखा देंगे और सवाल मैच ही नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। जिस लेवल की तैयारी करनी है उसी लेवल पे रहना चाहिए, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में और समझने में, नहीं तो शब्द भंडार का विकास कहाँ से होगा, लोकल शब्दों से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। सीटेट का मतलब एक मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। हाँ इससे भी टफ वर्ड हो सकते हैं। लैस करना मतलब पूरी तरह से लगा होना, ये युक्त होना, पूरा क्लासरूम युक्त है उसी से। वेल डेकोरेटेड भी बोल सकते हैं कि दृश्य सर्व सामग्री से वेल डेकोरेटेड क्लासरूम होनी चाहिए, प्रोजेक्टर हो, साउंड सिस्टम हो, माइक हो, सामने इमेजेस हो, सब दीवार पर कुछ ना कुछ पिक्चर्स और चीजें लगी हो, दैट इज नोन एज वेल डेकोरेटेड क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। बात समझ आई? अब इससे ज्यादा आसान तौर पे समझाने के लिए कोई और मिलेगा नहीं, इससे आसान हो भी नहीं सकता जितना आपको समझा दिया गया, और जितनी विशेषताएं इसके अंदर डाल दी गई उतना पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। इंटरनेट ढूंढ लीजिए, किताबें ढूंढ लीजिए, कॉपी ढूंढ लीजिएगा, इतने पॉइंट कभी नहीं मिलेंगे एक जगह वो भी। तो इससे आपको यही शिक्षा मिली कि हमारा क्लासरूम कैसा हो, ऑडियो विजुअल एड से पूरी तरह लैस क्लासरूम होना चाहिए, वेल डेकोरेटेड, हर सामग्री मौजूद हो ताकि हर प्रकार के बच्चे सीख सके। एक बच्चा कक्षा में एक शिक्षक से शिकायत करता है, शिकायत करने का मतलब कि अपनी बात रखता है कि बोर्ड पर लिखे हुए लेटर्स और इमेजेस मुझे साफ नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे अच्छे डॉक्टर से दिखाने का सलाह दे देंगे, चश्मा लगाने को कहेंगे, सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो लोग समझते नहीं है वो कहेंगे हाँ चश्मा लगाने को कह सकते हैं, टॉर्च, इस टॉर्च से बड़ा टॉर्च होता है, इतना लाइट लगा है क्लासरूम में फिर भी कोई कहे कि बोर्ड पर लिखी हुई बातें स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वो स्लाइटली ब्लाइंड है, यानी कि थोड़ा बहुत उसको रोशनी आंख में कमी है। तो कुछ नहीं करना है, सामने वाले बच्चे के साथ जो सही देख सकता है, नॉर्मल बच्चे हैं उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक से नहीं देख पा रहे तो उसको बुला के आगे बैठा देंगे। ২০১৮ के बैच में एक लड़की ऐसी थी, उसके लिए सीट एक फिक्स किया गया, सबसे फ्रंट सीट बिल्कुल आगे, अगर तीन लोग बैठ भी जाएंगे तो चौथे के लिए उसे जगह रखना है कि वो आएगी तो बैठेगी। उसको दिखता कम था, चश्मा भी यूज करती थी, बोर्ड बिल्कुल सामने, इतना ही सामने, और फिर भी ढंग से नहीं देख पाती थी। उसके साथ 2018 के एग्जाम में क्या हुआ, 2018 में जुलाई में जो एग्जाम हुआ था आपको पता होगा, 19 के जुलाई में इतनी बारिश हुई थी एग्जाम के समय में कि कोई बता नहीं सकता, पता नहीं उसी दिन कहां से इतनी बारिश आई थी, और जिस जगह उसका सेंटर पड़ा था वहां बिजली ठप, लाइट कटने की वजह से, और वो खिड़की के पास बैठी थी, कितना भी लाइट की कोशिश कर रही थी दिख ही नहीं रहा था, पूरा रूम अंधेरा, इतना परेशान हुई, रो रही थी क्लासरूम में बैठ के, ऊपर से कुछ क्वेश्चन बना भी ली, थोड़ा बहुत लाइट वाइट जब था तब, तकरीबन 40 मिनट लाइट नहीं था और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है, तो बाकी बच्चे जो देख पाते हैं वो तो अंधेरे में भी अपना काम चलाने लायक दिख रहा है, लेकिन जिसको लाइट में नहीं दिखता था उसको अंधेरे में क्या दिखेगा। खिड़की से बहुत ट्राई कर रही थी देखने का, उस दौरान जब वो अपना OMR सीट ली थी, इतना तेज बारिश का झटका आया पूरा OMR भींग गया, अब वो पूरा जो कलर की थी वो बह के नीचे, मतलब इतना परेशानी उसके साथ हुआ था। एग्ज़ाम उसका अच्छा नहीं गया, बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी उसका स्कोर रहता था यहाँ के एग्ज़ाम में 115-120, तो उसके लिए 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया कि उसका पूरा 6 महीना खराब हो गया। फिर उसके बाद दिसंबर में थी और 113 स्कोर लाई, तो अगर बारिश नहीं हुई होती उसके लिए हमारे पास इंतज़ाम होता स्कूलों में तो वो पहली बार में ही सफल होकर निकल जाते।
तो ध्यान यही रखना है कि आपको हर तरह के बच्चों पर विशेष ध्यान होने चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उसका इंतजाम होना चाहिए। बच्चे को अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो लाइट बढ़ाएंगे, और भी लाइट की जरूरत हुई और बढ़ा दिया जाएगा, पंखे और चाहिए और बढ़ा दिया जाएगा, टीचर और चाहिए और बढ़ा दिया जाएगा। मैं स्टूडेंट नहीं बढ़ा सकता, स्टूडेंट आप बढ़ाएंगे, बाकी सारा काम मैं कर सकता हूँ। कुछ बात समझ में आई? ब्रेल लिपि में डॉट्स होते हैं और पूरा ब्रेल लिपि 6 डॉट्स पर आधारित होता है। सीटेट में 2 बार आ चुका है कि ब्रेल लिपि में जो डॉट्स होता है उभरा हुआ, उसमें कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। पानी बाहर जाना है, उधर से निकल के आई। मिटा दिया जाए, इंक्लूसिव का काम यही समाप्त होता है। अब कोई नहीं कहेगा कि इंक्लूसिव का मतलब समझ में नहीं आया। आप लोग जितने हैं उससे ज्यादा डाइवर्सिटी मैंने लिखा दिया। हाँ पंडित जी आप हैं, मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? ये आपको बताना चाहिए ना क्यों नहीं करते हैं। हो गया, ये मैथ्स की ओर चलते हैं।